हेलो दोस्तों, नमस्कार। बस ड्राइविंग के एक और वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि क्लच की जगह अगर ब्रेक दब जाए आपसे तो गाड़ी चलाते वक्त सीखते वक्त क्या होगा उससे, और सही तरीके से क्लच का इस्तेमाल कैसे करें, ब्रेक का कैसे करें, एक्सीलेटर का कैसे करें। देखिए दोस्तों, शुरुआत में जब हम बस सीखना चालू करते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि आदमी से क्लच की जगह ब्रेक दब जाती है। ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट भी किया कि गुरु जी, अगर क्लच की दबा ब्रेक अचानक दब गया तो उससे होता क्या है, ठीक है, क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, कहीं जैसे गाड़ी आपकी चल रही है, आपने क्लच दाबा और ब्रेक नहीं दाबा, ठीक है, या ब्रेक दाबा और क्लच नहीं दाबा, इसका दोनों का कॉम्बिनेशन एक बढ़िया समझना होगा पहले आपको, ठीक है। पहले ये समझिए कि दाहिने पैर से हमको ब्रेक और बाएं पैर से क्लच दाबना है, ये दोनों अंटी हैं, ठीक है। जब हमको ब्रेक और क्लच दोनों अलग अलग पैर से ही दबेंगे, ठीक है, तो बाएं पैर से हमेशा क्लच, इसका इस्तेमाल केवल क्लच पर होगा। दाहिने पैर का इस्तेमाल एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों में होता है, ठीक है। जरूरत पड़ने पर ब्रेक मारे इसी पैर से, इसी पैर से एक्सीलेटर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा चलाते वक्त। जब हम गाड़ी हमारी चलती है, सबसे पहले हमको क्लच दाबना होता है। क्लच दाबे हमने, एक नंबर गियर लगाया, गियर लगा कर हल्का सा एक्सीलेटर में अंगूठा रखेंगे, इसे अंगूठा रख करके हल्का सा एकदम दाबना है और क्लच छोड़ना है, ठीक है। गाड़ी हमारी आगे बढ़ जाए, पूरा क्लच नहीं छोड़ना है दोस्तों, आधा क्लच छोड़ना है जिसमें हमारी गाड़ी उठ जाए। उसके बाद जब गाड़ी 10 कदम चले तो फिर से पुनः क्लच दाबिए। क्लच दाबने के बाद फिर से दो नंबर गियर लगाइए, हल्का सा फिर क्लच छोड़िए। फिर आप जब गाड़ी आपकी चलने लगे, हल्का सकते हैं, एकदम नॉर्मल एक्सीलेटर लेना है, एकदम एक इंच समझ के चलिए, एक इंच दाबना है आपको अंगूठे से, बस अंगूठे से नॉर्मल तरीके से दाबेंगे और क्लच छोड़ देंगे, फिर गाड़ी आपकी चलती रहेगी आराम से, ठीक है। गाड़ी चल रही है, चल रही है, फिर आपको गियर चेंज करना हुआ, फिर से क्लच दाबे, क्लच दाब कर तुरंत अगला गियर लगाया और फिर हल्का सा एक्सीलेटर लिया। तीसरे नंबर पे हम क्लच दाब के जब गियर लगाते हैं तो पूरा क्लच आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि गाड़ी हमारी चल रही है तभी तीन नंबर गियर लगेगा, ठीक है। उठाने के बाद जब गाड़ी चलती रहे तो गियर लगाने के बाद, जब हम क्लच दाबने के बाद गियर लगाएं तो उसके बाद तुरंत क्लच हमको छोड़ देना चाहिए। छोड़ के केवल एक्सीलेटर के सहारे गाड़ी चलती है, एक्सीलेटर दाबे रहे, आराम से चल रही है, ठीक है। अब जो है, मान लीजिए हमको गाड़ी रोकना हुआ तो पहले ब्रेक मारे हल्का सा, देखिए तुरंत एक्सीलेटर से पैर हटाया, ब्रेक पर रखा, एक्सीलेटर हटाया, ब्रेक पर रखा, बार बार इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। एक्सीलेटर से हटाए, ब्रेक पर रखे, ब्रेक जो हल्का सा मारे, जब गाड़ी नॉर्मल स्पीड, तुरंत क्लच दाब लिए, क्लच दाब लिए, पूरा क्लच, ब्रेक हल्का लगाए, क्लच पूरा दाबना है, गाड़ी आपकी रुक जाएगी, ये विशेष ध्यान दीजिए। ब्रेक उतनी लगानी जितनी हमको आ सकता है, लेकिन क्लच हमको पूरा हौंक के दाबना है। अक्सर ये गलती करते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक भी दाबेंगे, थोड़ा सा क्लच भी दाबेंगे, नहीं नहीं ब्रेक आपको उतनी लगानी जितने जहां पर आपको गाड़ी जितनी स्पीड में रोकनी है उस हिसाब से आपको ब्रेक मारना है। ब्रेक हल्का ही लेना है और जरूरत पड़े इमरजेंसी तब ज़्यादा ब्रेक लेना है, नहीं तो नॉर्मल ब्रेक तेज़ी से अगर ब्रेक क्लच की जगह क्लच की तरीके ब्रेक भी दाब लेंगे ना तो गाड़ी झटके से आपकी रुकेगी, चोट खा जाएंगे, जो भी आपकी गाड़ी में होगा आपको भी नुकसान हो सकता है, और पीछे जो गाड़ियां आ रही होंगी, सवारी आ रही है, वो भी अचानक आप ब्रेक मार देंगे, आपकी गाड़ी में ठुक जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है। नॉर्मल तरीके से ब्रेक मारनी है, गाड़ी आपने साइड में लेनी है, आपको बाएं साइड गाड़ी लेने के बाद में जब गाड़ी आपकी धीरे हो जाए तो क्लच दाब करके और गाड़ी खड़ी कर देनी है ब्रेक दाब करके, और गियर बदलना हो फिर से हम एक नंबर में डाल लेंगे, दो नंबर में डाल लेंगे, और फिर से एक दो नंबर, दोनों में बस हमारी उठ जाती है, ठीक है। और फिर से दो नंबर में, एक नंबर में डाल करके गाड़ी हम फिर से ब्रेक छोड़ेंगे, एक्सीलेटर पे पैर रखेंगे, क्लच छोड़ेंगे, गाड़ी हमारी चलने लगी फिर से, ठीक है। किसी भी गियर में हो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे पांच गियर में, चाहे चार नंबर गियर में, गाड़ी आपको रोकनी है तो ब्रेक दाबना है, एक्सीलेटर दाब के गाड़ी रुक जाएगी। ब्रेक दाबे, स्पीड तुरंत नॉर्मल हुई, फिर स्पीड एक्सीलेटर दाब लीजिए और उसी पाँच नंबर गियर पर ही रोक दीजिए। रोकने के बाद में पाँच नंबर सीधा न्यूट्रल कीजिए, न्यूट्रल सीधा दो नंबर लगाइए, दो नंबर के फिर से ब्रेक से पैर हटाएंगे, एक्सीलेटर पर रखेंगे और एक क्लच हल्का सा छोड़ेंगे, गाड़ी हमारी उठ जाएगी। सिंपल सरल तरीका, इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ करना नहीं है, ठीक है, इसी की प्रैक्टिस केवल करनी है आपको। अब मान लीजिए हमने क्लच नहीं दबाया, हमको हमने ब्रेक दबा दिया, जो हमारा सवाल है कि क्लच की दबाई अगर ब्रेक दब गया तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, क्लच की जगह अगर ब्रेक दबता है तो गाड़ी झटके से बंद हो जाएगी आपकी। अक्सर शुरुआत में देखिए, सीखते समय जो बंद करते हैं ना, तो उस समय यही होता है कि ब्रेक तो दाब देते हैं लेकिन क्लच दाबना भूल जाते हैं। तो क्लच और ब्रेक दोनों कॉम्बिनेशन दाबेंगे, गाड़ी आपकी कभी बंद नहीं होगी। ब्रेक हल्का लेना है और क्लच पूरा दाबना है, ठीक है।
तो अगर क्लच की जगह ब्रेक दबा, क्लच नहीं दाबे, ब्रेक दाब दिए तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी, खट से खड़ी होगी और झटका लेकर बंद हो जाएगी, जिससे सीधा इंजन में झटका जाएगा। ठीक है, इंजन में भी झटका जाएगा, गाड़ी में भी झटके से हो जाएगी। इसमें आपका इंजन फॉल्ट भी हो सकता है, गाड़ी में भी फॉल्ट हो सकता है, झटके से गाड़ी बंद होती है। ठीक है, तो यह गलती आपको बार बार नहीं करनी है। विशेष ध्यान देना है कि क्लच की बाएं पैर से क्लच हमेशा दाबना ही है। गाड़ी आपको कंट्रोल करने के लिए क्लच और ब्रेक दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर क्लच नहीं दाबा, केवल ब्रेक ही दाबे हैं तो गाड़ी आपकी तुरंत झटके से बंद हो जाएगी। ये विशेष ध्यान दीजिए कि आपको क्लच ब्रेक दोनों कॉम्बिनेशन बना के ही चलना है। इसी तरीके से अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी, आसानी के साथ आप ड्राइविंग सीख जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। जो नए हैं हमारे वीडियो पे भाई, जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पुराने भाई एक लाइक कर देंगे। ठीक है, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। राम राम, जय सिया राम।